दीदी पैसे चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए? पर्स चाहिए दीदी। मेरा पर्स ले गया, पकड़ो कोई, पकड़ो मेरा पर्स। ओ भाई मेरा पर्स चुरा ले गया, दो मेरा पर्स। नहीं अभी पुलिस को फोन करके बताऊंगी। मैम पुलिस को फोन लाने से पहले आप ये वीडियो देख लो। अरे ये बुढ़िया तो बड़े घर की दिखती है और इसके पर्स में पैसे भी दिख रहे हैं। पता नहीं पर्स में क्या क्या होगा। क्या हुआ अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगी। ये लड़की बूढ़ी अम्मा को लेके कहाँ जा रही है, देखना पड़ेगा। माँ जी आप थक गई होंगी ना, आप यहीं पास बैठ जाइए। कहाँ है आपका घर? अरे ये लड़की तो बूढ़ी अम्मा के पैसे चुरा रही है। माँ जी पर्स मेरे को दे दीजिए, बहुत भारी होगा। मैं नहीं दूंगा बेटा। अरे माँ जी दे दो, आपको मैं चोर लगती हूँ क्या? तुम तो बड़े घर के लगती हो। दीजिए माँ जी, आप यहीं पे बैठो, मैं आपके लिए ऑटो लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, कुछ दे दो खाने को। दोबारा टच मत करना, तुम्हारे कितने गंदे हाथ है, दूर रहो मुझसे। कुछ पैसे दे दो दीदी। दूर हटो पहले। दीदी दे दो पैसे। अरे दूर हटो, नहीं है मेरे पास पैसे। दीदी प्लीज दे दो, बहुत भूखा हूँ दीदी, चार दिन से कुछ नहीं खाया दीदी, दे दो। ये लो और दूर रहना, दोबारा टच मत करना। इतने पैसे नहीं चाहिए दीदी। अरे मेरे पास इतना ही है, लो। दीदी पैसे चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए? पर्स चाहिए दीदी। मैं लगाऊं पुलिस को फोन? नहीं भैया मुझसे गलती हो गई। मैडम आप जैसी चोर महिलाओं की वजह से बूढ़ी अम्माएं रोड में निकलने से डरती हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज मत फोन लगाइए। माता जी आपका पर्स। एक लड़की हमारा पर्स चुरा ले गई थी, तुम्हारा धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं अम्मा जी, आपको आपका पर्स मिल गया ना।